लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वो ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुकाता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे चलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वो दूसरे के हृदय में प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता, खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। न शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है, बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहाँ हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से।
जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो, हम तन्हा जरूर हैं लेकिन फिजूल नहीं। जो इंसान आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं था, उसे आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही लाखों कस्में दे दो मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से बात करे, दिल रखने के लिए नहीं। आप उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, जो आपको दिल से मोहब्बत करे, दिल से इज्जत दे, आपके चेहरे और हैसियत से नहीं। मोहब्बत सिर्फ उसी से करना जो तुम्हें वक्त दे, बहाने नहीं। कहने वालों का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले करते हैं। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त आने पे बता देता है कि किसका कौन है। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सोच समझकर करनी चाहिए, अब उन्हें कौन समझाए कि सोच समझकर साजिशें होती हैं, मोहब्बत नहीं। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत को पाने में मुश्किल नहीं, मुश्किल तो उसे भुलाने में होती है। बस तेरे बस में है ये, और किसी के बस की बात नहीं है। तेरी मर्जी के बिना मुझे कमजोर बना पाना, ये इस जमाने की बिसात नहीं है। किसी के बारे में सब जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। आज के इंसान को न कायदे पसंद है और ना ही वायदे पसंद है, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस सह सकते हैं लेकिन किसी से कह नहीं सकते। लोग हक जताना जानते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मंजिल हासिल ना भी हो तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। लोगों को अपने दिल में नहीं बल्कि औकात में रखना सीखो। किसी को इतना भी मत चाहो कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरतों से प्यार करती है। परखा तो सभी ने मुझे लेकिन समझा किसी ने भी नहीं। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। वो गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें किसी को गलत होने का एहसास ही ना हो। मुद्दा ये नहीं कि हम किसी से बात नहीं करते, मसला ये है कि अब मन ही नहीं होता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर कभी नजरें फेरी थी। रब किसी को किसी पर फिदा न करे, और अगर करे तो फिर जिंदगी भर उसे जुदा न करे। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिससे हो जाए बस वही खास है। मोहब्बत कभी पहली या आखिरी नहीं होती, मोहब्बत तो इकलौती होती है। रिश्ते रूहानी होने चाहिए क्योंकि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, ये टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, दिल तुम रख लो और तुम्हें हम रख लेते हैं। हम तुम्हारे हैं, हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे, ऐसा हजार बार कहने वाले लोग भी आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती है। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है, अजीब बात है ये बात भी जिंदा लोगों ने ही कही है। छोड़ दिया आज मेरी मौत ने मुझे ये कहकर कि जब जिंदा हो जाओ तो खबर कर देना। अपनी तासीर रखो तो ताबीजों जैसी, जिससे भी गले लगो उसके सारे गम खींच लो। देख लिया तेरी ईमानदारी है दिल, तू मेरा है और तुझे फिक्र किसी और की रहती है। जो रिश्ता झूठ पर चले वो ना ही चले तो बेहतर है। बिना किसी उम्मीद के इंतजार करना मेरे लिए तो बस यही प्यार है। किसी ने मुझसे पूछा इतना दर्द क्यों लिखते हो, ऐसा भी क्या गिला है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा कि कोई दे जाए इस चेहरे को हंसी, ऐसा एक भी नहीं मिला। मैंने अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है और लोग कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। इज्जत मिट जाए जिस जगह से वो दहलीज कभी मत लांगना। जिंदगी हो या इश्क हो लेकिन भीख कभी मत मांगना। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई,
जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक वो शख्स जो हमसे ज्यादा हमारा हो। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा कभी मत तोड़ो। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। माना मौसम भी बदलते हैं, मगर धीरे धीरे तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। दूसरों के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। चाहने में और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक चाहत है मेरी कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। जख्म प्यार का तो भर गया, पर निशान दिल पे छोड़ गया। ये मोहब्बत का जुनून था जो सरेआम नीलाम कर गया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। आप बस पैसा अपने साथ रखो, वक्त और लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से कि जितनी कदर करोगे उतना परेशान रहोगे। बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक होता है। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है और सबक इंसान को बदल देता है। बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद ही रूठकर खुद ही मान जाते हैं। दिल से खूबसूरत लोग बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इंसान की फितरत यही है कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, ये अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं।
सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। ये ऐसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर और फिर इस्तेमाल करते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप बेवजह ही उनके लिए परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया, उसने तब तब मुझको धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसीलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाके बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें बहुत दर्द देती हैं। रुक जाती है नजर एक हद के बाद। दिल करता है कि जहां तक तुम हो बस वहां तक देखूं। इसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, पर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच मान लेते हैं। वक्त से जरा पूछ कर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसीलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है ये मोहब्बत। जरा सा कोई चखले तो फिर मर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। फर्क को जरा ठीक से समझो। आप महंगे हो और हम कीमती हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना, क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे। जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है। कौन कब बदला है मेरे पास सबका हिसाब है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं। खुद के उसूलों पे मरना भी जायज है। किसी के साए में जिंदा रहने की
मेरी कोई हसरत नहीं है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। 71% पानी है दुनिया में, लेकिन फिर भी लोग डूबते प्यार में ही हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, मैं सब जानता था पर फिर भी खामोश रहा। जिंदगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी नहीं खुदकुशी कर ली। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भूकंप और इश्क में बहुत समानताएं हैं। एक मकान को खंडर बनाता है और एक दिल को खंडर बनाता है। जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं। अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती, वफादार हैं इसीलिए अकेले हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। क्या रिश्ता और क्या नाता, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं निभाता। जब किसी इंसान को किसी अपने से धोखा मिलता है तो फिर वो इंसान कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती बल्कि हमें ये सिखाती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। जब तक चुनना ना पड़े तब तक समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए जरूरी क्या है। कितनी भयानक होती है ये मोहब्बत की सजाएं, बोझ सी लगने लगती है जिंदगी। ना जिया जाए और ना मरा जाए। नाराजगी भी मोहब्बत की तरह होती है क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज है। सब आदतें छोड़ सकता हूं, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे सिवा। टूटे हुए लोग अक्सर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की। अकेला जरूर चलता हूं लेकिन किसी के पीछे हरगिज नहीं चल सकता। समेट के ले जाओ अपने झूठे वादे, अगली मोहब्बत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी। इस छोटे से दिल में किस किस को जगह दूं? गम रहे या दर्द रहे, पर याद रहे या तेरी याद रहे। कौन सीख पाता है सिर्फ बातों से, सबक सिखाने के लिए एक हादसा भी जरूरी होता है। याद रखना अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात भी नहीं होती। जब आपको खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई अहमियत नहीं है। जिंदगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं सबसे ज्यादा सुखी सिर्फ वही रह सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ पर किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं। मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं। बात करने के लिए समय नहीं मन होना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। पहली नजर में तो सिर्फ मोह जन्म लेता है, प्रेम तो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। नशा शराब का होता तो उतर भी जाता, ये नशा तो इश्क का है जान लेकर ही जाएगा। काश की दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोष दो। हैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए कि जब वो आपसे आपका हाल पूछे तो आप उसे सब कुछ सच बता सकें।
जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है।